हार्ट में अगर ब्लड सप्लाई स्टॉप होने की वजह से हार्ट अटैक होता है तो ज़्यादातर नॉन डायबिटिक लोगों में तेज सीने में दर्द, पसीना आना, घबराहट होना, टाइटनेस ऑफ कुछ एकदम गले में कुछ चोकिंग सेंसेशन होना, इनफैक्ट गले से लेके पेट तक, नाभि के ऊपर तक का जो भी दर्द है उसको हम हार्ट डिजीज का दर्द मानते हैं अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, जब तक कि कोई और कारण ना पता चले। कभी कभी गले में दर्द की प्रेजेंटेशन हो सकती है, कभी हो सकता है केवल बाएं हाथ में दर्द हो रहा हो, कभी पेट का दर्द जिसको लोग गैस समझते हैं वो हार्ट डिजीज का लक्षण हो सकता है। डायबिटीज़ वाले मरीजों में सिम्टम्स और कम होते हैं, उनमें साइलेंट हार्ट अटैक के चांसेस हाई होते हैं, इसलिए कुछ भी अनइजीनेस हो उसको, जैसे पसीना आना, घबराहट होना, दिल बैठना, ये सारे ही हार्ट की परेशानी के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर रोज़ आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप चलते हैं तो 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद सीने में भारीपन हो रहा है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो इसको हम एंजाइना कहते हैं, ये भी हार्ट की बीमारी का लक्षण है। अलग अलग लेवल पे लोगों को, कई लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ने पे या 1 किलोमीटर चलने पे एकदम से भारीपन लगता है और बैठने में थोड़ी देर में वो ठीक हो जाता है, तो ये टिपिकल साइन है कि हार्ट में फ्लो ठीक नहीं है और आपको हार्ट के डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। डायबिटीज़ के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें onlymyhealth.com।